नमस्कार ओडिशा रोग पाई योग कार्यक्रम को मु अशोक आपण को स्वागत जनाउछि। आज आम सहित अच्छा रोजालीन दर्शक बंधु। आज आम आम फुसफुस एवं आम छाती की किभली भाव में आम शक्तिशाली करि परिबा योग माध्यम आसन माध्यम से विषय में किसी आलोकपात करिबा एवं योगाभ्यास करिबा। से ही आसन गुड़िक भितर आज आम प्रथम आसन टी करिबा ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। धीरे धीरे रोजालीन एबे आम पद्मासन बा सुखासन रु निवृत्त हेबा एवं एबे आम पेट माड़ी होई सोई पड़िबा। आमर चीन को पूरा संपूर्ण रखिदबा भूमि उपरे एवं धीरे धीरे दुई हाथर पापुली साहाज्यरे एबे आमे आमर प्राणवायु को भीतर को नबा एवं पूरा टोटल शरीर को ऊपर को उठेबा। कहियो गले आमर पादर आंगुठी एवं हाथर पंजा रहिबो भूमि उपरे, शरीर टिके ऊपर को उठि रहिबो एवं आमे ऊपर को दृष्टि निक्षेप करिबा ऊर्ध्वमुख श्वानासन। एइबोली किछि समय होल्ड करिक रखिबा एवं आमर श्वास प्रश्वासर गति को जारी रखिबा ऊर्ध्वमुख श्वानासन। भुजंगासन तो आमर तळीपेट रहुचि भूमि उपरे, किंतु एही ऊर्ध्वमुख श्वानासन रे आमर तळीपेटटी ऊपर को उठिक रहिबो। एइबोली आमे किछि समय होल्ड करिक रखिबा, तापर धीरे धीरे एबे आमर प्राणवायु को बाहर को छाड़ी एबे आमे पूर्व स्थिति की फेरी आसीबा। रोजालीन आमे आउ थरे करिबा ऊर्ध्वमुख श्वानासन। धीरे धीरे एबे आमर पादर आंगुठी एवं हाथर पंजा माध्यम रे आमर शरीर को ऊपर को उठेबा, प्राणवायु को भीतर को नबा, छाड़ी एबे आमे पूर्व स्थिति की फेरी आसीबा। एवं यहाँ रोजालीन आम एवं करवा एक हस्त ऊर्ध्वमुख श्वानासन। धीरे धीरे एवं आम दुई हाथ साहय शरीर को ऊपर को उठेबा। धीरे धीरे एवं आम कौन करवा डाण हाथ को ऊपर को उठेबा, बाम हाथ रही भूमि उपर यही किसी समय होल्ड कर रखा, श्वास प्रश्वास गति को जारी रखा एवं तापर धीरे धीरे आम हाथ को चेंज करवा, डाण हाथ को रखा भूमि उपर, बाम हाथ को ऊपर को उठेबा। एक हस्त ऊर्ध्वमुख श्वानासन। धीरे धीरे एबे आमे आमर पूर्व स्थिति की फेरी आसीबा एवं एबे आमे पेट माड़ी होइ टिके रेस्ट नबा। तापर धीरे धीरे रोजालीन तुम्हे एबे ऊर्ध्व मुख श्वानासन एवं एक हस्त ऊर्ध्व मुख श्वानासन रो पोजीशन टिकु पोस्चर टाकु आसन टिकु एबे तुम्हे करिवो। दर्शक बंधु जदि आपण माने एई ऊर्ध्व मुख श्वानासन एवं एक हस्त ऊर्ध्वमुख श्वानासन टी प्रत्येक दिन सकाल और संध्या बेले मिनिमम गोटे रु दुई मिनिट करें, सकाल गोटे रु दुई मिनिट, संध्या बेले भी गोटे रु दुई मिनिट करें, तो यह आसन टी फल फुसफुस उपर तो संपूर्ण चाप पड़ी थाए, सुप्रभाव पड़ी थाए एवं यह व्यतीत आम मेरुदंड को शक्तिशाली करें। जदि आपण मैंने प्रत्येक दिन आसन टी कर कह गले आम अग्नाशय उपर संपूर्ण चाप पड़ा व्यतीत आम मधुमेह रोग और बहुमूत्र रोग आमको मुक्ति मिलता है, पृष्ठ को अत्यधिक शक्तिशाली करेंटा थी आमर ऊर्ध्वमुख श्वानासन एवं एक हस्त ऊर्ध्वमुख श्वानासन। एवं रोजालीन एवं आम बाम हाथ साहय उठी बस पड़ा। दर्शक बंधु एवं आम द्वितीय आसन टी करवा। द्वितीय आसन टी तो अत्यधिक सहज सरल आसन टी आम करवा आमर एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन। एवं तो आम कले एक हस्त ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एवं आम करवा एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन। धीरे धीरे एवं आम आम पद्मासन बा सुखासन निवृत्त होगा और ठीक से ही आम आम पेट माड़ी होकर शो पड़ा। किसी समय आम टे रेस्ट नवा। एबे आमे करिबा एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन। धीरे धीरे रोजालीन एबे आमर दुई हाथ को आमर कांधर दुई साइड रे रखिथिबा, छाती रे दुई साइड रे एवं धीरे धीरे एबे आमे आमर प्राणवायु को भीतर को नै कि एबे धीरे धीरे एबे आमर मस्तिष्क छाती एवं पेटर ऊपर भाग को ऊपर को उठेबा। आमर पाद ठू आरंभ करिकि आमर तळी पेट पर्यंत रहिबो भूमि उपरे, किंतु टिके सामान्य एबे आमे उठेकि रखि परिबा अंटा को आमर तळी पेट को। तापर एबे आमे करिबा आमर एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन। धीरे धीरे एबे आमे आमर बाम गोड को बेंड करिबा, डाहन गोड को स्ट्रेट रखिबा। एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन एवं उपरको दृष्टि निक्षेप करिबा, किसी समय एभली होल्ड करके रहिबा। एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन आमर टोटल आमर तळी पेट को आम टे ऊपर को उठेक रखा एवं धीरे धीरे रोजालीन एवं आम पूर्व स्थित की फेरी आस आसन टी चेज करवा। एवं आम बाम गोड़ को सीधा करवा, डाण गोड़ को बेन करवा, उपरको दृष्टि निक्षेप करवा। टोटाल आमर कह समस्त आमर शरीर भार हाथर दुई पंझा उपर पापुली पड़ा व्यतीत एवं आम डाण आंठू को बेन करवा आम तळी पेट को ऊपर को उठेबा, बाम गोड़ को सीधा रखा, उपरको दृष्टि निक्षेप करवा, श्वास प्रश्वास गति को जारी रखा एवं धीरे धीरे एवं आम प्राणवायु को बाहर को छाड़ी पूर्व स्थित की फेरी आसवा। एवं धीरे धीरे एवं आम आमर प्राणवायु को बाहर को छाड़ी एवं आम सोई पड़ा, टिके रेस्ट नबा। एवं एबे आमे करिबा रोजालीन आउ गोटे आसन, एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन। तेबे कले एबे करिबा पार्श्व पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन। धीरे धीरे एबे आमे दुई हाथ साहय आमर शरीर को ऊपर उठेबा,
एक पाद पार्श्व ऊर्ध्वमुख श्वानासन धीरे धीरे आम गोटे गोड़ को भांग बाम गोड़ को भांग डाण पट को मोड़ा एवं ऊपर को दृष्टि निक्षेप करवा एक पाद पार्श्व ऊर्ध्वमुख श्वानासन केमें आम बाम गोड़ को डाण पट को बेंड करके आणुचे धीरे धीरे आम आरपट सैड्रे बाम गोड़ को सीधा रखा डाण गोड़ को बेंड करने आंठू को और धीरे धीरे डाण आंठू को बेंड करके ऊपर को उठेबा और आम बाम पट को संपूर्ण आम डाण पट गोड़ को मोड़ी रखा और आगु को दृष्टि निक्षेप करवा पार्श्व एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन एवं धीरे धीरे एवं आम पूर्व स्थित की फेरी आसवा एवं किसी समय एवं आम रेस्ट नवा रोजालीन तुम्हें आमर एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन एवं पार्श्व पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन पोजिशन टी योगासन टी आराम से कर दर्शक बंधु आपण मैंने जदि यमर एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन एवं पार्श्व पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन टी आपने प्रत्येक करुँच रोजालीन जो भाव में करुँचे कह आम आंठूगंठी पीड़ू तो मुक्ति मिलता है और यह व्यतीत आम आपको आगुरी कही आसीचु आम फुसफुस आम छाती को विकास करें छाती में अत्यधिक जोटा कि चर्बी जमि न थाए पीठी को प्रसारित करें गोटे साधारण साधक दरकार से जोटा कि से सबू निद भोक ठीक अनुसार होता है कि कह अत्यधिक भोक अत्यधिक निद हो नए अनिद्रा रोग मुक्ति मिलता है अर्धकपाली मुंड विंधा रोग मुक्ति मिलता है एवं धीरे धीरे रोजालीन एवं आम पूर्व स्थित की फेरी आसवा एवं आउ गोटे आसन करवा तृतीय आसनटी करवा से आसनटी अत्यधिक सहज सरल आसनटी है दर्शक बंधु एवं आम से आसनटी करवा से आसनटी है अर्ध गोमुखासन इन एक पाद अर्धमुख श्वानासन धीरे धीरे एवं रोजालीन एवं आम सुखासन पद्मासन आम निवृत्त हवा और धीरे धीरे ठीक से ही आम पेट माड़ी हो पड़ा एवं यहाँ एम करवा अर्ध गोमुखासन इन एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन धीरे धीरे एवं आम बाम गोड़ को बेंड करवा बाम गोड़े बेंड करवा फल डाण हाथ को आम रखा भूमि उपर बाम हाथ को पछपट को नहीं जावा बाम गोड़ पादरे धरी रखा और ऊपर को दृष्टि निक्षेप करवा डाण गोड़ सीधा रहा भूमि उपर अर्ध धनुरासन इन एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन धीरे धीरे आम छाती को ऊपर को उठेबा मुंड को ऊपर को उठेबा डाहन गोड़ तो सीधा रखिले भूमि उपर बाम गोड़ को बेंड कले अर्ध धनुरासन इन एक पाद ऊर्ध्वमुख श्वानासन किसी समय भली होल्ड करके रखा एवं धीरे धीरे रोजालीन एवं आम पूर्व स्थित की फेरी आसवा प्राणमय को बाहर को छाड़ी मध्यभाग एवं निम्न भागर अवयव को शक्तिशाली करूँ तो ये रोजालीन एवं आम धीरे धीरे पूर्व स्थित की फेरी आसवा आराम से बसी पड़ा सुखासन पद्मासन दर्शक बंधु आपत सब आसन विषय में जाने परवर्त अध्याय आम कि नुआ योगाभ्यास प्राणायाम और ध्यान सहित आपण सहित देखाहबू रहुचु जय गुरुदेव जय महर्षि नमस्कार।